न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। सोमवार को MGM अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई। इसको लेकर परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के विरोध में जमकर हंगामा हुआ। होमगार्ड जवानों के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह मामले को शांत कराया गया। इस संबंध में परिजनों ने कोई लिखित शिकायत नहीं की। शनिवार को कपाली डांगोडी निवासी 25 वर्षीय सदर परवीन को बेहोशी की हालत में MGM में भर्ती कराया गया था। सोमवार को दोपहर करीब 3 बजे परिजन मरीज को MGM से निकाल कर रिम्स ले जाने वाले थे। मरीज को इमरजेंसी से निकाल कर एम्बुलेंस में रखा गया। अस्पताल के कर्मी ने ऑक्सीजन की पाइप लगाई, इसके बाद मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप था कि ऑक्सीजन पाइप के बदले वाष्प भाप निकलने वाली पाइप लगा दी, इससे मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने टेक्नीशियन पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने कहा कि एम्बुलेंस में वाष्प निकलने वाली पाइप नहीं रहती है। यह आरोप पूरी तरह से निराधार है। मरीज की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें रिम्स रेफर किया गया था। डॉक्टर ने यहाँ से रेफर किया। हाँ। ये पेपर बना के क्या करे तो मानो हम लोग पेशेंट को लेके इसमें लौट के एम्बुलेंस कहाँ ले जाने के लिए, रिम्स ले जाने के लिए रांची। हाँ। उस बीच इसको ऑक्सीजन का जरूरत था। हाँ। मैं इसको बुलाया, वो ड्राइवर इसको भेजा, ये अंदर पे ऑक्सीजन के जगह में भाप लगा दिया। मैं आगे बैठ गया, सब लोड हो गया गाड़ी में। तो ड्राइवर आ बुलाया, मैंने ड्राइवर को बोला, मैं बोला आगे कोई जाएगा, बोला हाँ ये जाएगा। मैंने एक कौन है, बोला ये डॉक्टर। अच्छा, इनके बारे डॉक्टर। हाँ, इनके बारे में पहले बोला ये डॉक्टर है। हाँ। ठीक है। डॉक्टर के बाद वो फिर बोलता है, फिर बोलता है कि नहीं हम टेक्नीशियन बोले हैं, ये टेक्नीशियन है। हम इसको सर सर भी बोले, पूछिए हमने सर आप डॉक्टर, हमसे गलती हो गई, फिर भी हम आपको भाई भाई कर रहे हैं, बस इतनी ही बात है। ऑक्सीजन का जगह में भाप लगा दिया 15 मिनट। अच्छा, पेशेंट का नाम क्या है? सदब परवीन। क्या मतलब क्या बीमारी था उसको? हा? क्या तकलीफ था उसको? कहते सनीचर के भर्ती करवाए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंदिरा साहब। कहाँ रहते हैं?